दोस्तों आज हम इस वीडियो में हाइना और पैंथर की खतरनाक दुश्मनी को देखेंगे। हाइना पैंथर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब यहाँ ये हिरण पानी पीने के लिए आता है। पानी में बैठा क्रोकोडाइल भी इसी मौके की फिराक में था। जैसे ही हिरण क्रोकोडाइल के पास जाता है वह उसे दबोच लेता है, लेकिन हिरण भी हार नहीं मानता है और वह क्रोकोडाइल के चुंगल से छूटने की कोशिश करने लगता है। हिरण की कोशिश काम आती है और वह क्रोकोडाइल की पकड़ से छूटने में कामयाब रहता है। हिरण मौत के मुंह से निकलकर जैसे ही जंगल में भागने की कोशिश करता है कि उसे दूसरी ओर मौत बनकर आता हुआ पैंथर दिखाई देता है। पैंथर बिना देरी किए हिरण के ऊपर हमला कर उसे दबोच लेता है। तेंदुआ हिरण को मारकर उसे ले जाने लगता है। तभी वह हाइना आ जाता है। हाइना तेंदुए से शिकार छीनने की कोशिश करने लगता है। तेंदुआ शुरुआत में तो हाइना से मुकाबला करता है, लेकिन वह हाइना के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता है और हाइना तेंदुए से उसका शिकार छीनकर उसे खाने के लिए ले जाता है। लेकिन अभी तेंदुए ने भी हार नहीं मानी थी, वह भी वहाँ पहुँच जाता है जहाँ हाइना उसके शिकार को खा रहा था। पैंथर हाइना को अपने शिकार से दूर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकामयाब रहता है। हाइना तो बड़े चाव से पैंथर के किए हुए शिकार को खा रहा है, लेकिन पैंथर भी वहीं बैठ जाता है। और हाइना जैसे ही पैंथर के शिकार से थोड़ा अलग होता है, वैसे ही पैंथर मौके का फायदा उठाकर अपने शिकार को लेकर पेड़ पर चढ़ जाता है। हाइना तेंदुए को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेंदुए की इसी हरकत से पैंथर नाराज हो जाता है और वो तेंदुए को घेरने के लिए अपने साथियों को भी बुला लाता है। ये सब हाइना पैंथर को चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन यहाँ से पैंथर भागने में कामयाब रहता है। पैंथर फिर दूसरे दिन शिकार के लिए निकलता है। इसे बिल से निकलते हुए वार्थोग दिखाई देते हैं। पैंथर बिना मौका गवाए इनमें से एक वार्थोग को पकड़ लेता है। पैंथर और वार्थोग के बीच बहुत भयंकर लड़ाई होने लगती है। वार्थोग भी पैंथर की पकड़ से छूटने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वार्थोग के लिए यह इतना आसान नहीं है। तभी हाइना भी वहाँ पहुँच जाता है। हाइना को लगता है कि आज वह फिर पैंथर के शिकार को छीन कर खाएगा। हाइना बिना सोचे समझे शिकार को छीनने के लिए पैंथर पर हमला कर देता है, लेकिन अभी तो वार्थोग जिंदा है। इन दोनों की लड़ाई के बीच उसे जीवन दान मिल जाता है और वह वहाँ से भाग निकलता है। पैंथर हाइना की इन हरकतों से परेशान हो जाता है और वह हाइना को सबक सिखाने की सोच लेता है। तेंदुआ हाइना को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। एक दिन पैंथर का भी दिन आता है जब हाइना अकेला जंगल में घूम रहा था। पैंथर बिना मौका गवाए हाइना पर हमला कर उसकी गर्दन तोड़ देता है। पैंथर हाइना को मारकर उसे खाने के लिए ले जाता है। जब हाइना के मरने की खबर उसके साथियों को मिलती है तो वह भी पैंथर से बदला लेने निकल पड़ते हैं। इन हाइना को पैंथर अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ दिखाई देता है। हाइना पैंथर पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। पैंथर हाइना को आते हुए देख लेता है। पैंथर अपने बच्चों को छुपा कर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन हाइना भी पैंथर का पीछा नहीं छोड़ते हैं। वह पैंथर को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद आखिर में हाइना पैंथर को घेर लेते हैं। हाइना पैंथर पर एक साथ हमला कर उसे नोचने लगते हैं। तेंदुआ इतने सारे हाइना के सामने हार जाता है। हाइना उसे बुरी तरह घायल कर देते हैं। अब पैंथर भी समझ जाता है कि आज ये हाइना उसकी जीवन लीला समाप्त करने वाले हैं। सभी हाइना मिलकर पैंथर को मार कर खा जाते हैं। दोस्तों आपको हमारी एनिमल स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।